Good morning, student. My name is Trilok sir. Today I told you about the dolomite. Student, listen very carefully. What is dolomite? Dolomite hota kya? Vikas hota kya? Dolomite is a comprehensive term. विकास एक व्यापक शब्द है विच इंक्लूड इंक्रीज इन रियल पर कैपिटल इनकम जिसमें शामिल की जाती है प्रति व्यक्ति आय का विकास इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल लोगों के जीवन स्तर में सुधार और रिडक्शन इन पॉवर्टी गरीबी में कमी ये तीनों चीजें इसमें शामिल की जाती हैं और ये एक व्यापक शब्द है। अगर हम किसी का डेवलपमेंट देखते हैं तो अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया वहां पर अपनाई जाती है। डेवलपमेंट इज द प्रोसेस इन विच समथिंग ग्रो बिकम्स मोर मैच्योर एंड एडवांस। कि डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो वस्तु होती है पहले की अपेक्षा और ज्यादा मैच्योर और एडवांस बन जाती है। डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट गोल इंपोर्टेंट टर्म्स नेशनल डेवलपमेंट डेवलपमेंट इकोनॉमीज डेवलपिंग इकोनॉमीज पीसीआई जीडीपी पीडीएस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस टॉपिक में हम ये सारे पॉइंट्स जो हैं क्लियर करेंगे। प्रिंसिपल फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। कि अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर तो पिक्चर दिखाई गई है ये एक किसान है ये एक लैंडलेस लेबरर है जो काम कर रहा है किसी के खेत में और ये चाहता है कि मेरा अपना खेत हो मेरी अपनी जमीन हो और मैं उसमें अच्छे से काम कर सकूं। ये अपने विकास यहाँ पर सोचता है। ये आदिवासी लोग हैं इनको अच्छा घर घर बार मिल जाए ये अपना विकास अलग तरीके से सोचते हैं। सेकंड पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर अनदर। एक के लिए विकास हो सकता है दूसरे के लिए नहीं। जैसे यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है ये डैम है हो सकता है जो सिटीज हैं वहां के लिए बेनिफिट हो उसका वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनके लिए बेनिफिट हो और ज्यादा विकास में ही सहायक हो। लेकिन एक गांव है पास में गांव है अगर ये डैम टूट गया तो गांव के लिए फ्लड भी आ सकती है और ये विनाश का कारण भी बन सकता है। इट मीन्स व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर अनदर। एक के लिए विकास हो सकता है दूसरे के लिए नहीं। थर्ड पॉइंट इज पीपल लुक एट ए मिक्स गोल रेदर देन वन एग्जाम्पल चूजिंग जॉब। जब हम जॉब चूज करते हैं तो एक मिक्स गोल देखते हैं कि ये जो कंपनी है इसका वर्किंग आवर्स क्या है इसकी पेमेंट सैलरी कैसे देते हैं वो सारी चीजें हम इसमें चेक करते हैं। मेंशन एनी टू डेवलपमेंट गोल ऑफ ए गर्ल। इस प्रकार के क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आते रहते हैं जेंडर इक्वलिटी एंड गर्ल्स एम्पावरमेंट। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक लड़की के लिए डेवलपमेंट के गोल क्या हो सकते हैं। नेशनल डेवलपमेंट राष्ट्रीय विकास क्या है। नेशनल डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव टर्म विच इंक्लूड इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इंक्रीज इन पर कैपिटल इनकम प्रोवाइडिंग सोशल एमिनिटीज लाइक एजुकेशन मेडिकल केयर सोशल सर्विसेज एक्सेट्रा टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री। सारी चीजें एक व्यापक शब्द के तौर पर बताई गई हैं कि डेवलपमेंट एक छोटी चीज नहीं है एक बड़ा शब्द है जिसमें ये सारी चीजें इंक्लूड की जाती हैं कि लोगों का जीवन स्तर कैसा हो इंक्रीज इन पर कैपिटल इनकम लोगों की प्रति व्यक्ति आय है उसमें इंक्रीजिंग इंक्रीज हो प्रोवाइडिंग सोशल एमिनिटीज लाइक एजुकेशन मिले मेडिकल फैसिलिटीज मिले। डेवलप्ड इकोनॉमीज देर आर दोज इकोनॉमी विच आर करेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ पर कैपिटल इनकम ऑफ यूएस डॉलर। यहाँ पर एक मानक दिया गया है 12,476 पर एनम और मोर एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एग्जाम्पल्स यूएसए जापान जर्मनी एंड यूके सिंगापुर। यहाँ पर एक मानक दिया गया है कि जिन देशों की पर कैपिटल इनकम इस लेवल से ज्यादा होगी वो देश जो है उन देशों की जो अर्थव्यवस्था वो डेवलप्ड इकोनॉमीज में काउंट की जाएगी मानक दिया गया है। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट डेवलपिंग इकोनॉमीज दोज इकोनॉमीज विच आर पासिंग थ्रू द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कि जिन देशों की अर्थव्यवस्था गुजर रही है विकास के अभी रास्ते में ही है अभी विकास नहीं हुआ विकसित नहीं हुई है विकसित है या आप कह सकते हैं विकासशील है
एग्जाम्पल इंडिया एंड इंडोनेशिया। व्हाट इज एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पीसीआई भी इसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म पर कैपिटा इनकम। व्हेन द टोटल नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन इट इज कॉल्ड द पर कैपिटा इनकम। जब हम देश की टोटल इनकम को डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से तो उसे हम क्या कहते हैं, पीसीआई कहते हैं। यहाँ पर टोटल नेशनल इनकम भी लिख सकते हैं, टोटल इनकम ऑफ एरिया भी लिख सकते हैं, टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, इट इज द पर कैपिटा इनकम फार्मूला। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीडीपी। जीडीपी द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सम ऑफ ऑल गुड्स, मतलब सभी सामान का सार, सभी सामान का जोड़। सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री इन ए अकाउंटेबल ईयर इज नोन एज जीडीपी, कि एक पर्टिकुलर समय में एक देश के जितने भी प्रोडक्ट बने हैं उन सभी की वैल्यू को जोड़कर उसको हम जीडीपी में काउंट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो डिपो होते हैं। पीडीएस इट इज द फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम अंडर विच गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फूड ग्रेन एंड अदर एसेंशियल आइटम टू द पुअर एट एन अफोर्डेबल प्राइस। ये पीडीएस जो है, ये जो डिपो होते हैं गाँव शहरों में जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं और ये गरीब लोगों को फूड ग्रेन अनाज वगैरह चीप रेट में प्रोवाइड कराते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द वेरी वेरी लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच एम एट मेंटेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ बोथ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन विदाउट हार्मिंग द नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंट। इसको हिंदी में पॉजिटिव विकास बोलते हैं। यह आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान तथा भावी दोनों पीढ़ियों के जीवन में गुणवत्ता बनाए रखना है, कि एक ऐसा विकास सस्टेनेबल जो किसी को हानि न पहुंचाए, एनवायरमेंट भी उसमें ठीक ठाक रहे और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी अच्छे से यूज हो जाए। क्वेश्चन कैसे आते हैं सीबीएसई में, इस प्रकार के 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में दिया गया, दीज कंट्रीज हैव हाई पर कैपिटा, जिन कंपनी की हाई पर कैपिटा इनकम होगी, अधिक प्रति व्यक्ति आय होगी, वो देश जो है डेवलप्ड कंट्री में काउंट किए जाएंगे। और इसके अपोजिट में लो पर कैपिटा इनकम दिखाई गई है। द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ पीपल इज हाई, यहाँ पर लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा और यहाँ पर लो होगा। ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, यूएसए, यूके, जापान और यहाँ पर नेपाल और पाकिस्तान का। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हमारे सीबीएसई पेपर में भी बार बार पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।